नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स। मानव ने जब से इस सृष्टि में कदम रखा है, वो हमेशा से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसकी जिज्ञासा ही है जिसकी वजह से उसने आग की खोज करी और पहिए का आविष्कार किया। वो अपनी जिज्ञासा की वजह से ही अपने अस्तित्व के बारे में हमेशा सोचते रहता है। वो हमेशा से जानना चाहता है कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, इंक्लूडिंग अस, हम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, या बोल सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है। अब हम सब ने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई दे रही है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही हो, कैमरा है, या फिर जो मैंने कपड़े पहने ये हैं, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? मैटर से मिलकर बने हुए हैं। मैटर क्या होता है? मैटर वे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास मास होता है और वो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, या बोल सकते हैं दे ऑक्यूपाई स्पेस। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हमने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है। नाउ अब यहाँ पर जो मैं मैटर बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं थोड़ा सा और इसको ज़्यादा परफेक्टली बोलूँ तो मैं ये बोलता हूँ विजिबल मैटर, यानी जितनी भी चीज़ें हमको आसपास दिखाई दे रही हैं, ये सब किससे मिलकर बनी हुई हैं? विजिबल मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो विजिबल मैटर हमको आसपास दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। जो 95% है ना, वो कुछ और चीज़ होती है। वो क्या होती है वो हम वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपना फोकस किस पर डालते हैं? जो 5% विजिबल मैटर है उस पर डालते हैं, या बोल सकते हैं इस 5% विजिबल मैटर किससे मिलकर ये बना हुआ है, या इसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। 440 BC की बात है, एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने सबसे पहले ये बोला कि जो मैटर हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। जो डेमोक्रेटस थे वो ग्रीक के फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। तो ग्रीक में एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है, मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक छोटी सी लकड़ी है, ठीक है। अगर इस लकड़ी को मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना स्टार्ट करूँ तो एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद मैं इस लकड़ी को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी फर्दर इसके मैं टुकड़े नहीं कर सकता। यानी उस लिमिट पर इस लकड़ी का जो पार्ट बचेगा उसी को डेमोक्रेटस ने क्या बोला, एटम बोला। ये कब दी उन्होंने, ये बात कब बोली, 440 BC के आसपास बोली, ठीक है। नाउ कट टू 19th century। 19th century के लास्ट में 1897 में एक बहुत महान फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम है J.J. Thomson। J.J. Thomson ने सबसे पहली बार ये बताया कि एटम इज नॉट फंडामेंटल, यानी एटम से छोटा भी कुछ हो सकता है। उन्हें बोला एटम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। आप सबने अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद आते आते 1911 के आसपास एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। आप सब वो लोग उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हो। वो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली और उसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई, और उसके आधार पर जो एक्सपेरिमेंटल वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है, और उस एटम के सेंटर पर एक डेंस पार्टिकल होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जिन इलेक्ट्रॉन की बात किसने की थी, 1897 में थॉमसन ने की थी। उनने बोला कि, रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, उस जो मेरे पास क्या है, डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। फिर थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने बोला, बताया कि क्यों जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन्होंने बोला न्यूक्लियस इज नॉट फंडामेंटल, न्यूक्लियस इज मेड बाई प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो 1911 के आसपास हमारे पास जो एटम की पिक्चर है वो कैसी है, एटम शेप में कैसा है, स्फेरिकल है।
उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, जो किस वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है, ठीक है। और उस जो न्यूक्लियस है उसके चारों कोण रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। 1911 तक ऐसी पिक्चर है। फिर थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है, बात आती है 1932 की। 1932 में चैडविक ने सबसे पहले ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। नाउ न्यूक्लियस के अंदर, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था 1911 में, अब उस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रॉन जो कि जिसमें अनचार्ज होते हैं, जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो 1932 के आसपास अगर हम एटम की पिक्चर को विजुलाइज करें तो एटम कैसा है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1932 तक ये पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल से मिला बना हुआ है। अब 1932 में हुआ, तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उससे हमको लगा कि हाँ, तो दिस इज फंडामेंटल थिंग जिससे ये पूरा यूनिवर्स मिलकर बना हुआ है, या बोलते हैं जिससे ये विजिबल मटेरियल, ये विजिबल मैटर हमारे चारों ओर का मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बात थोड़ा सा सुलझी हुई लग रही थी, लेकिन थोड़ा समय आगे बढ़ा, हम पहुंचे 1964 के आसपास। दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था मैरी गेलमैन और दूसरे का नाम था जॉर्ज। दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये बताया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनको हम फर्दर तोड़ सकते हैं। और उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक नए एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम है क्वार्क। क्वार्क की यहाँ पर तीन जनरेशन उन्होंने बताई। पहले जनरेशन में दो टाइप के क्वार्क आते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और दूसरी जनरेशन में भी दो टाइप के क्वार्क आते हैं, एक होता है चार्म क्वार्क और एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क, और जो तीसरी जनरेशन है उसमें भी दो टाइप के क्वार्क आते हैं, एक आता है टॉप क्वार्क और दूसरा आता है क्या, बॉटम क्वार्क। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, यानी जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। वहीं जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, यानी दो डाउन क्वार्क आए और यहाँ से एक अप क्वार्क आया, जब मिले तो क्या बना, न्यूट्रॉन बना। तो नाउ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, या बोलते हैं नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, दे आर मेड अप बाई क्वार्क। कौन से क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से ही मिले होते हैं। नाउ तो 1960-64 के बाद से अब हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, या जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिससे एटम बना हुआ है, वो क्या हुए, एक हमारे पास क्या हुआ, क्वार्क, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो अब भी हम ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर यूनिवर्स इज क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन। तो अब भी आप, अब के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि ये पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप रफली बोल सकते हो कि यूनिवर्स क्वार्क और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की एक फैमिली होती है जिसे हम फर्मियन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस फैमिली में इलेक्ट्रॉन के भाई भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, जैसे उनमें से एक क्या होता है, म्यून होता है, और दूसरा क्या होता है, टाऊ होता है, और फिर इनके एंटी मैटर भी वहाँ, एंटी पार्टिकल भी वहाँ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन होता है, और जो हमारे पास म्यून है उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है हमारा, एंटी म्यून, और टाऊ का एंटी पार्टिकल एंटी टाऊ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फैमिली बनी यहाँ पर, किसकी, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ की, जिसे हमने क्या बोला, फर्मियन बोला। उस तरीके से एक क्वार्क की फैमिली होगी जिसमें कितनी जनरेशन है, तीन जनरेशन, जिसकी बात थोड़ी देर पहले मैंने की। उसी तरीके से एक और जनरेशन होती है यहाँ पर पार्टिकल की, या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल की, या अच्छे से और बोलेंगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसे हम बोलते हैं क्या, फोर्स पार्टिकल, जिसमें क्या क्या आते हैं, एक ग्लुओन आता है, और WZ बोजोन आते हैं, और क्या आता है, फोटोन आता है, ठीक है। हाँ, और एक और पार्टिकल है हमारे पास जिसकी खोज यही 21वीं सदी में हुई थी, जिसका हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या,
हिग्स बोजोन, ठीक है, जो बोजोन की कैटेगरी में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिग्स बोजोन बोलते हैं। तो जिन जिन एलिमेंट्री पार्टिकल का मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल मिलकर एक मॉडल बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। और ये पूरा यूनिवर्स इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है अभी तक की डिस्कवरी के अनुसार। कि हाँ, कि अगर एटम किससे मिलकर बना हुआ है, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं मोर जनरलाइज करूंगा, इलेक्ट्रॉन किस फैमिली में आता है, लेप्टॉन की फैमिली में आता है। तो जो एटम किससे मिलकर बना हुआ है, क्वार्क और लेप्टॉन से मिलकर बना हुआ है। और जब एटम बन गया इन दोनों से, फिर एटम आपस में मिले, क्या बना, मॉलिक्यूल बना। फिर मॉलिक्यूल आपस में मिले तो फिर क्या बना, एक मटेरियल बना, ठीक है, एक मैटर बना। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा यूनिवर्स या वो जो विजिबल यूनिवर्स है वो बना हुआ है, या वो जो विजिबल मटेरियल है या विजिबल मैटर है वो बना हुआ है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे फिलहाल के लिए, कि व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स, आप आंसर दोगे कि क्वार्क एंड लेप्टॉन, या थोड़ा सा और अगर स्पेसिफाई हो जाओगे तो क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसके फर्दर भी बात होती है, हम ये बोलते हैं कि देयर इज ए फील्ड थ्योरी, हम उसको बोलते हैं, देयर इज ए फील्ड एसोसिएटेड विथ ईच पार्टिकल, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके साथ क्या होता है, फील्ड एसोसिएटेड होता है। कहने का मतलब है, पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल इज फील्ड, फील्ड इज फंडामेंटल, जो कि थोड़ा सा आगे की थ्योरी है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या बोलोगे कि क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन पर आप अड़े रहोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड इज फंडामेंटल अभी तक ऐसा बोला जाता है, और वाइब्रेशन इन फील्ड या बोलते हैं फ्लक्चुएशन इन फील्ड रिजल्ट इन पार्टिकल, ठीक है, किसी भी फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक फील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन फील्ड में जो वाइब्रेशन होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज मेड बाई फील्ड, ठीक है। तो ये भी ये क्या है, थ्योरी है। लेकिन फिलहाल के लिए आप कहाँ अडिग रहोगे, जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है वहाँ तक आप क्या रहोगे, सीमित रहोगे। ओके, अभी तक जो हमने बात करी, जो क्वार्क है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एटम के, या बोलते हैं जो हमारा कैसा है, विजिबल मैटर है, उसका क्या है, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब वीडियो के फर्स्ट में मैंने बोला था कि इट इज जस्ट 5% ऑफ आवर यूनिवर्स, तो बाकी बचा हुआ 95% क्या है, तो 95% इन आवर यूनिवर्स इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। आपने नाम सुना होगा, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ठीक है, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, दे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती हैं, हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये कैसी हैं, इनके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते। थोड़ा बहुत हम डार्क मैटर के बारे में जानते हैं कि इससे कुछ भी चीज़ बाहर निकल सकती, इसके अंदर कुछ भी चीज़ जा नहीं सकती, या मतलब लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये लाइट को रेडिएट भी नहीं कर सकता और एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके से डार्क मैटर को डिफाइन किया जाता है। लेकिन डार्क एनर्जी के बारे में तो हम इतना भी नहीं जानते। हाँ, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, स्टिल हम काम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई काम करना चाहता है, अगर वो बता देगा कि भाई डार्क मैटर ये होता है, डार्क एनर्जी ये होती है, तो उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के बचे हुए 95% के बारे में बता रहा है। अभी तक वो सिर्फ 5% जो विजिबल मटेरियल है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ये होता है, क्या एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको क्या है, पता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक छोटा सा वीडियो था फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इसको क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो फिजिक्स को पसंद करते हैं, और उन लोगों के साथ जो जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, कि ये यूनिवर्स कैसे बना हुआ है और इस यूनिवर्स का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।